सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, तो किसी एलिमेंट के सैंपल में क्या होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे, सब एक तरह के एटम होंगे। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। तो एटम जो है, जो भी होता है, उसके फिजिकल चेंजेस से क्या होता है, अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता। अभी हम सब समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। सॉलिड और वेपर सल्फर का एटम और लिक्विड सल्फर का एटम कैसा होगा, सेम होगा। ऑल्दो वी हैव इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, हमारे पास इनफाइनाइट वेराइटी है चीजों की, सब्सटेंसेस की, इन द यूनिवर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। तो जो नंबर है जिससे ये सारे सब्सटेंस बनते हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सब्सटेंसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन एलिमेंट्स लिमिटेड है, एलिमेंट्स बहुत लिमिटेड है। There are no more than 94, कितने हैं, no more than 94, 94 क्या है, naturally occurring elements है, तो naturally occurring elements कितने हैं, 94। An important classification of elements is in terms of metals and non-metals। तो 94 naturally occurring elements है, जिसमें से जिसे हम किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, तो ज्यादातर एलिमेंट क्या है, मेटल है। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो बचे हुए क्या है, मेटल है या मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स पजेस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखते हैं। तो इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरी बात क्या थी। पहली बात तो कितने टाइप के एलिमेंट है हमारे, 94, ठीक है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनता है। जैसे हम तीन एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब देखो इन्हीं से बनाते हैं। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनाया, क्या बन गया, वाटर बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन से बनाया तो हमारी ये एक गैस बन गई, CH4 गैस, तो ये बन गया। ऐसी कार्बन और ऑक्सीजन से हमने क्या बनाया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ऐसी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C6H6O12, ठीक है, सॉरी ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया, इसको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहां बनाया C6H12O6, तो देखो सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन से बन गया ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसे हम देखते जा रहे हैं कि सिर्फ तीन ही एलिमेंट से कितने सारे बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर और एक गैस मीथेन गैस, तो ये इतनी सारी चीजें बन गई। तो कितने एलिमेंट कितने हैं, 94 ही है। तो अब तुम ये सोचो, तीन चार से ही हमने इतने सारे बना दिए, तो 94 से कितने सारे बन जाएंगे। तो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो किससे बनते हैं, इन्हीं 94 एलिमेंट से बनते हैं। एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, दो पार्ट में टूट गया। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस से कुछ और बना सकते हैं, नो। हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन के अलावा कुछ बना सकते हैं, नो। तो जब ये सबसे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, यहां देखो दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो वो यही बोल रहे हैं कि सल्फर भी केवल अगर अकेला सल्फर है तो वो क्या होगा, एलिमेंट है, और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे क्या बोलेंगे, एटम। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे क्या बोलेंगे, एटम। सारे के सारे एटम्स एक चीज के, अगर हाइड्रोजन के एटम है तो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन के एटम, सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स कैसे होंगे, एक जैसे। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिक्विड, गैस या वेपर के एटम्स कैसे होते हैं, सबके एटम्स एक जैसे हैं। जैसे अभी हम
एटम ना लेके अगर हम वाटर देखें तो लिक्विड, तो जो है लिक्विड वाटर भी देखने में वैसे ही होगा, देखो ऐसा होगा लिक्विड वाला, ऐसे होता है वाटर, दो छोटे हाइड्रोजन साइड में होते हैं, देखो H2O होता है ना, तो दो छोटे छोटे हाइड्रोजन छोटे होते हैं, तो जो छोटे हाइड्रोजन साइड में होते हैं बीच में एक बड़ा ऑक्सीजन होता है, तो ये H2O हो गया। तो लिक्विड वाटर भी ऐसे ही होगा, जो वेपर वाटर होगा वो भी ऐसी होगा, सॉलिड वाटर आइस भी ऐसी होगा। बस फर्क क्या होता है कि लिक्विड वाटर के पार्टिकल सॉलिड से तेज तेज चलते हैं और गैस वाला वाटर जो वेपर होती है उसके पार्टिकल बहुत तेज चलते हैं, उनके बीच में जगह बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत तेज तेज चलते हैं। अगर जगह बहुत ज्यादा होगी, जैसे पास पास है और नहीं चल रहे हैं, जैसे ये पास पास है, तो क्या होगा सॉलिड। अगर जगह और बढ़ गई है और टेढ़े मेढ़े हैं कहीं पे भी खड़े हैं तो ये क्या होगा लिक्विड, और जगह बहुत ज्यादा है और कहीं पे भी है तो ये क्या होगा गैस। लेकिन जो इसके पार्टिकल होते हैं वो क्या रहते हैं सेम। तो सेम यही बात इन्होंने कहा है कि अगर जो है फॉर एन एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर, तो लिक्विड सल्फर का एटम बिल्कुल सेम होगा सॉलिड या लिक्विड सल्फर गैसीय सल्फर की तरह, ओनली डिफरेंस क्या होगा उनमें सॉलिड सल्फर के पास पास होंगे और लाइन से लगे होंगे, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होंगे और कोई लाइन नहीं होगी और टेढ़े मेढ़े होंगे, और गैस के बहुत दूर दूर होंगे और फिर क्या होंगे टेढ़े मेढ़े होंगे। अब इसको समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। मेटल्स आर लस्टरस वेयर नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, डल होती हैं। जनरली मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल होती मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं होती। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। ऑन बर्निंग मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड हमने बना लिए थे, मेटल ऑक्साइड कैसे थे बेसिक थे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनती है नॉन मेटल्स के साथ, वो कैसे होते हैं एसिडिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वाटर के साथ रिएक्शन पड़ी थी मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, मेटल क्या रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम से हमने बनाई थी, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसके एसिड्स के साथ भी रिएक्शंस हमने देखी थी। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल्स बेस के साथ क्या रिएक्ट करके क्या कर प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। मोर रिएक्टिव मेटल, तो ये अभी हमने आज ही पढ़ा है, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस प्रोडक्ट, लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने आज ही पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और हमने एक ये बनाई थी सीरीज जिंक आयरन और कॉपर की, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव, आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव और जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ, तो डेली बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज की जाती हैं। तो अब ये देखते हैं, हाँ इसमें एक छोटी सी चीज रह गई थी, मेटल्स तो आपको समझ में आ गई थी, नॉन मेटल्स हो गई थी, एक वर्ड आया था मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स जो है ऐसी चीजें होती हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाती हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मेटलॉइड का है सिलिकन, ठीक है, सिलिकन जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, तो ये क्या है एक मेटलॉइड। तो अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये चैप्टर पूरा एंड हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज है और आप सब लोग ये एक्सरसाइज अपना अपने आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।